इन दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी हमारा प्यारा इसरो, बातों को सरलता पूर्वक समझाओ तो इसरो ने कर दिया है बहुत बड़ा धमाका। मौजूदा समय में काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है और एक के बाद एक सफल मिसाइल परीक्षण और सफल टेस्ट करके भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। इस बीच खबर जताई जा रही है कि इसरो ने एक और कीर्तिमान रच दिया है, बहुत सारी सैटेलाइटों को एक साथ अंतरिक्ष में भेज के भारत का तो नाम रोशन कर ही रहा है। लेकिन स्पेस साइंस का बेतहाज बादशाह वाले पश्चिमी देश आज अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और उपग्रह भेजने के लिए भारत मदद ले रहे हैं। इससे न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग क्षेत्र में भारत की धाक जम रही है बल्कि अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। और मित्रों, इसरो ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया जब उसने 650 सेकंड की लंबी अवधि वाले अपने CE इंजन का सफलता पूर्वक टेस्ट किया। इसरो ने जारी किए अपने बयान में ये जानकारी दी कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स में क्रायोजेनिक मैन इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी में 650 सेकंड की लंबी अवधि वाला 20T थ्रस्ट लेवल के साथ CE-20 इंजन का सफलता पूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ ही उड़ान में शामिल होने के लिए 20T थ्रस्ट लेवल के लिए इंजन का सफलता पूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों, CE-20 इंजन का विकास इंजन लिक्विड प्रोपुलेशन सिस्टम वलिया पालिया केरला ने किया। दोस्तों, बताया जा रहा है इंजन को पहले 40 सेकंड के लिए 20.2 टन थ्रस्ट लेवल पर संचालित किया गया, जिसके बाद 20 टन ऑफ नॉमिनल जोन पर संचालित किया गया। फिर थ्रस्ट कंट्रोल वॉल्व को स्थानांतरित करके 435 सेकंड की अवधि के लिए इसे 22.2 टन पर शिफ्ट किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी कई बार CE इंजन का सफल परीक्षण हो चुका है और पुराने इंजनों के मुकाबले CE-20 में कई बड़े बदलाव किए गए। इनमें TCV भी शामिल है जो इंजन को थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, यानी रॉकेट को आगे धकेलने की क्षमता को नियंत्रण करता है। साथ ही दोस्तों, इसमें जो विंग टर्बाइन और एग्जॉस्ट गैस को पास करने के लिए साइलेंसर्स बनाए गए हैं वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं। इससे पहले भी दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बड़ी चुनौती को पार किया था। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी में इसरो के हाई प्रोपुलेशन कॉम्प्लेक्स के हाई एटीट्यूड टेस्ट को सफलता पूर्वक कंडक्ट किया गया। तो मित्रों, इस खबर पे आप सभी लोगों का क्या मानना है? भारतीय स्पेस एजेंसी जो काफी ज्यादा तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ रही है, जिसके पीछे हमारे देश के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, तो कमेंट्स में जय हिंद हमारे वैज्ञानिकों के लिए जरूर लिखिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।